हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सूजी का नया नाश्ता, जो हम घर में रखे कुछ चीज़ों से ही बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अगर हमारे घर में गेस्ट आ गए हों तो भी हम इस नाश्ते को आसानी से जल्दी बना सकते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और यमी बनता है। अगर हमें सुबह नाश्ते में बनाना हो या बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो तो हम इसे नाश्ते को आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ली है एक कप सूजी और एक पैन में 2 कप पानी ऐड किया है। अब पानी में हमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून वाइट तिल ऐड करना है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इसमें नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून चाट मसाला लेना है और अपने श्रद्धा अनुसार इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स ऐड करनी है। आप जितना चाहे इसमें कोथमीर ऐड कर सकते हैं। फिर अच्छे से किसको उबाल आने दें और उसके बाद इसमें आप ज़ीरा ऐड करें। आप ज़ीरा शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बाद में ऐड किया है, आप शुरू में भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से उबाल आ जाने के बाद गैस को स्लो कर दें। उसके बाद हमें इसमें सूजी ऐड करनी है। सूजी डालते जाना है और हमें इसे कंटिन्यू हिलाते जाना है ताकि इसमें गांठे ना पड़े और इसका आसानी से एक डो बन जाए। सूजी डालते जाएं और इसे हिलाते जाएं। हमें सूजी को तब तक हिलाना है जब तक ये पैन को ना छोड़ दें। सूजी अभी पैन में चिपकी हुई है, हमें इसे कंटिन्यू हिलाते जाना है ताकि इसका आसानी से डो बन जाए। जैसे ही सूजी पैन को छोड़ेगी आप देख सकते हैं इसका इस तरीके से डो बन जाएगा। डो बनने के बाद हमें इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देना है और फिर हमें हल्के हल्के हाथों से इसको मलना है। मलने के बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उसे ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद हमें इस आटे के अंदर उस आलू को ऐड करना है और अच्छे से जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हमें इसे गूंदना है और दोनों को एक कर लेना है। जब तक मैं आलू और सूजी को मिक्स कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक कर लिया है तो हम फिर हमारी वीडियो पर आ जाते हैं। मैंने यहाँ आटे के जैसे अच्छे से आलू को और सूजी को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके टिक्किया और कटलेट बनाते हैं, उसी तरीके से हमें इसे बनाना है। आप जैसे चाहें वैसे इसका शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ कटलेट जैसे बनाए हैं, कुछ गोल दिया है, कुछ ओवल शेप दिए हैं, कुछ स्क्वायर दिए हैं। आपके हिसाब से इसको जैसे शेप देना चाहें वैसे आप शेप दे सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने गैस पर तेल रख दिया है। तेल गर्म हो जाने पर हम इस टिकिया को इसमें डालेंगे और फ्राई होने देंगे। 1-2 मिनट तक के हमें इसे फ्राई होने देना है, उसके बाद ही हमें इसे पलटना है। और जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जब तक हमें इसे निकालना नहीं है। ये अच्छे से ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसको निकालेंगे। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गया है और क्रिस्पी हो गया है तो अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। हमारा सूजी का नाश्ता यहाँ तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और सूजी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है तो आप अपने बच्चों को भी आसानी से बनाकर दे सकते हैं। जब आप बच्चों के लिए ये नाश्ता बनाएं तो आप उसमें और भी वेजेस ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।